नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे महिलाओं और लड़कियों के लिए हर महीने आने वाला मासिक धर्म या पीरियड्स अपने साथ कई तकलीफ देह लक्षण लेकर आता है, जैसे पेट में दर्द, क्रैम्प्स, हद से ज़्यादा थकान महसूस होना, पेट फूलना, मांसपेशियों में दर्द, ब्लोटिंग, डायरिया या कब्ज, सिर दर्द आदि। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत सी महिलाओं को महावारी के दिनों में सिर घूमने और चक्कर आने की भी समस्या महसूस होती है। बहुत से मामलों में पीरियड्स के दौरान हल्का हल्का चक्कर आना नॉर्मल है, लेकिन यह किसी अंतर्निहित स्थिति का भी संकेत हो सकता है। चक्कर आना या सिर घूमना एक ऐसी अनुभूति है जिसमें व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है मानो उसका संतुलन बिगड़ रहा है और ऐसा भी लगता है जैसे पूरा कमरा घूम रहा हो। अगर आप बैठी हैं या लेटी हों और तेज़ी से अचानक उठें, तब आपको इस तरह का चक्कर या सिर घूमना ज़्यादा महसूस हो सकता है और आपका संतुलन भी बिगड़ सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी संबंध में बात करेंगे कि पीरियड में चक्कर आने के कारण क्या होते हैं और पीरियड में चक्कर आने के लक्षण क्या होते हैं, पीरियड में चक्कर आने का इलाज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले, मेरे चैनल पर आप नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे आगे कोई वीडियो डालूँ तो वो आप तक पहुँच सके। पीरियड में चक्कर आने के कारण क्या होते हैं? एनीमिया की दिक्कत हो तो पीरियड में आते हैं चक्कर। मानसिक धर्म के दौरान अगर महिलाओं और लड़कियों को चक्कर आए या सिर घूमता हुआ महसूस हो तो इसका सबसे अहम कारण शरीर में खून की कमी होता है, जिसे एनीमिया कहते हैं। अगर महामारी के दौरान आपको खून का फ्लो औसत हो तो हर महीने आपके शरीर से 30 मिलीलीटर या करीब 2 चम्मच खून निकलता है। हालांकि इतना खून निकलने की वजह से किसी को एनीमिया की समस्या नहीं होती है, लेकिन अगर किसी को हर महीने लगातार पीरियड से ज़्यादा खून निकले, ब्लड फ्लो हो रहा हो, तो हो सकता है कि सिर्फ मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस से वह लड़की या महिला एनीमिक हो जाए, यानी उसके शरीर में खून की कमी हो जाए। जब शरीर से खून बाहर निकलता है तो उसमें रेड ब्लड सेल्स RBC होते हैं और RBC ही शरीर की वे कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती हैं। खून में ऑक्सीजन के गाढ़ेपन में होने वाले बेहद छोटे से बदलाव को लेकर भी आपका ब्रेन बेहद संवेदनशील होता है। ऐसे में जब ब्रेन को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है तो आपको चक्कर जैसा महसूस होने लगता है। आयरन की कमी के कारण होने वाला एनीमिया, एनीमिया का सबसे सामान्य प्रकार है और यह आमतौर पर तब होता है जब लंबे समय तक पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होने की वजह से शरीर में खून की कमी होने लगे। अगर किसी लड़की या महिला को आयरन की कमी की वजह से होने वाला एनीमिया हो तो उन्हें मासिक धर्म के दौरान आयरन सप्लीमेंट का सेवन करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान इन वजहों से भी आते हैं चक्कर। एनीमिया या शरीर में खून की कमी के अलावा भी कई कारण हैं जिनकी वजह से मासिक धर्म या पीरियड्स के दौरान चक्कर आ सकते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन एक तरह का हार्मोन है जो शरीर की कई प्रक्रियाओं को नियमित रखने में मदद करता है और इन्हीं में से एक है आपका मासिक धर्म चक्र। हालांकि कई बार पीरियड्स के दौरान अतिरिक्त प्रोस्टाग्लैंडिन का भी उत्पादन होने लगता है, जिस कारण पीरियड्स के दौरान आपको क्रैम्प्स सामान्य दिनों में ज़्यादा भयंकर हो जाते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से गर्भाशय की मांसपेशियों में सिकुड़न महसूस होती है। कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन ऐसे भी होते हैं जिनकी वजह से शरीर की रक्त वाहिकाएं संकुचित होने लगती हैं, इस कारण आपको सिर में दर्द और चक्कर जैसा महसूस हो सकता है।
क्रैम्प्स, गर्भाशय की दीवारों में खून की जो परत जमती है उसे हटाने के लिए मासिक धर्म के दौरान गर्भाशय में सिकुड़न महसूस होती है और इसे ही क्रैम्प्स कहते हैं, जिस कारण पेट में तेज दर्द महसूस होता है। यह क्रैम्प्स हल्के, मध्यम और गंभीर भी हो सकते हैं। क्रैम्प्स मासिक धर्म चक्र का सामान्य हिस्सा है, लेकिन अगर क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा और गंभीर हों तो यह एंड्रियोमेट्रियोसिस बीमारी का संकेत भी हो सकता है। इस तरह के तेज क्रैम्प्स की वजह से होने वाले दर्द के कारण भी चक्कर आ सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे मासिक धर्म में चक्कर आने का इलाज। पीरियड में जो है अगर चक्कर आते हैं तो ट्रीटमेंट क्या होता है। मासिक धर्म में चक्कर आने का इलाज उसके कारणों पर निर्भर करता है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स NSAIDs ये ऐसी दवाएं हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन के असर को कम कर सकती हैं। अगर आपको क्रैम्प्स की समस्या हो तो आप इसके लिए आइब्रूफिन या कोई भी NSAID दवा का इस्तेमाल कर सकती हैं। पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द और क्रैम्प्स की वजह से चक्कर आ रहे हैं तो आप दर्द को कम करने के लिए हीटिंग पैड या गर्म पानी की बोतल का इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ ही क्रैम्प्स न हो इसके लिए मासिक धर्म के दौरान नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। कैफीन, अल्कोहल और सिगरेट के सेवन से बचें। अगर आपको एनीमिया की वजह से मासिक धर्म में चक्कर आ रहे हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें, वह आपको जरूरी आयरन सप्लीमेंट देंगे। साथ ही आप आयरन से भरपूर चीज़ें जैसे पालक और रेड मीट का सेवन कर सकती हैं। मासिक धर्म की वजह से होने वाले माइग्रेन का इलाज दूसरे माइग्रेन की तरह ही होता है और जब ये हो तो NSAID या डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा का सेवन करें। डिहाइड्रेशन या शरीर में पानी की कमी से बचने के लिए मासिक धर्म के दौरान खूब सारा पानी पिएं, लेकिन एक बार में नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा करके। इसके अलावा आपको मासिक धर्म के दौरान चाय, कॉफ़ी, सोडा और अल्कोहल जैसे ड्रिंक से भी दूर ही रहना चाहिए। अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया की समस्या हो या ब्लड शुगर लेवल कम होने के कारण चक्कर आ रहे हैं तो फ्रूट जूस पिएं या कैंडी खाएं जैसे ही थोड़ा बेहतर महसूस हो। डाइट में ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित हो जाए। दोस्तों इस संबंध में मेरे से कोई सलाह या सुझाव लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और आज का मेरा ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है, पसंद आया है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आगे कोई टॉपिक डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों अब लेता हूं विदा, मिलते आगे किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।